इंदौर का कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय उन खास चिड़ियाघरों की श्रेणी में शामिल होने जा रहा है जहां विश्व के प्रसिद्ध वन्य प्राणी देखे जा सकेंगे। जल्दी इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय को एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दो साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले दुर्लभ ज़ेब्रा मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि अभी तक मध्य प्रदेश के किसी भी प्राणी संग्रहालय में ज़ेब्रा नहीं है। विश्व भर में पाई जाने वाली वन्य प्राणियों की दुर्लभ प्रजाति को आपने अभी तक डिस्कवरी चैनल पर या अन्य सोशल साइट्स के माध्यम से देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों के आकर्षण का केंद्र इंदौर का कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय यानी चिड़ियाघर अब विश्वव्यापी प्राणियों के संग्रहालय में शामिल होने जा रहा है। दरअसल कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय के प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया कि एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इंदौर चिड़ियाघर से एक शेर और एक भेड़िए के बदले में दो अफ्रीकन ज़ेब्रा मिलने वाले हैं। जू प्रभारी ने बताया कि ज़ेब्रा बहुत ही दुर्लभ प्रजाति की श्रेणी में आता है। इसके शरीर पर ब्लैक और व्हाइट पट्टियां होती है जो अनायास ही सबका मन अपनी ओर आकर्षित करती है। साथ ही इस एनिमल से छोटे बच्चों को भी सीखने और समझने के बारे में जानकारी मिलेगी क्योंकि जेड फॉर ज़ेब्रा होता है। इंदौर से कुछ प्राणियों को एक्सचेंज के तहत मुंबई जू भेजा जाएगा और वहां से अफ्रीकन ज़ेब्रा इंदौर भेजे जाएंगे, जिसकी फर्स्ट स्टेज की प्रक्रिया इंदौर प्राणी संग्रहालय द्वारा पूरी की जा चुकी है। फिलहाल साउथ अफ्रीका से कंसाइनमेंट आना बाकी है। जो ज़ेब्रा हम प्रोग्राम एक्सचेंज में लाने जा रहे हैं उसका एक पेयर गुजरात के शक्करबाग के प्राणी संग्रहालय में जाएगा और दूसरा पेयर इंदौर के प्राणी संग्रहालय में आएगा। जू प्रभारी ने बताया कि एनिमल प्रोग्राम एक्सचेंज के तहत कुछ और एनिमल भी इंदौर जू को मिलने वाले हैं। देखिए, बॉम्बे जू से हमारा एक्सचेंज प्रोग्राम है। अभी फर्स्ट स्टेज में हम लोगों ने दोनों जू की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सारी चीज़ें हम लोगों ने कर लिए और अब चूंकि कंसाइनमेंट उनका अभी साउथ अफ्रीका से आना है, जो ज़ेब्रा हम लोग एक्सचेंज प्रोग्राम में ला रहे हैं, तो वो एक पेयर जो वहाँ से आएंगे उसमें एक पेयर शक्करबाग जू को जाएंगे लायन के एक्सचेंज में, और वही लायन के एक्सचेंज में एक पेयर अपन को इंदौर जू को मिलेगा। कुछ और एनिमल्स की डिमांड भी की जो हमारे पास सरप्लस में, तो हम लोग वो भी उनको देने की स्थिति में है। इस तरह से जो ज़ेब्रा लेके आएंगे उसके एक्सचेंज में लायन के अलावा भी कुछ दो तीन एनिमल हैं वो भी उन्होंने डिमांड की, वो भी हम लोग दे देंगे। अभी इसको पूरा एग्जीक्यूट होने में, चूँकि कंसाइनमेंट अभी साउथ अफ्रीका से आया नहीं है उन्हें भी बॉम्बे जू का, वो आने के बाद फिर हम लोग सेंट्रल अथॉरिटी की तरफ भी प्रपोजल मूव करेंगे। चूँकि एक्जोटिक एनिमल है इसलिए सेंट्रल अथॉरिटी की नॉलेज में सारी लाते हुए उसकी परमिशन बाकायदा ऑन पेपर लेते हुए फिर हम लोग सारी प्रक्रिया को करेंगे। हमारा जो एनिमल कलेक्शन प्लान है उसको भी हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं और कंसल्टेंट की सहायता से जो भी हमारे पास यहाँ पर जो अवेलेबल स्पेस है, जो फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए मास्टर प्लान रखी है। बहरहाल इस दुर्लभ प्रजाति के ज़ेब्रा के जू में रखने के लिए मास्टर प्लान के साथ साथ एरिया भी तय किए जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 6 माह का समय लग सकता है। यहाँ 6 व्हाइट टाइगर भी लाने की तैयारी की जा रही है।